वेलकम बैक टू माई चैनल कट एंड स्टिचिंग स्टाइल्स एंड वेलकम बैक टू ड्रेस डिजाइनिंग कोर्स। सो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ आप मेजरमेंट कैसे ले सकते हैं। इससे पहले मैंने सोचा कि ना आप लोगों के साथ सूट की कटिंग शेयर करूँ, तो उससे पहले आपको मेजरमेंट सिखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे पहले आज हम सीखने वाले हैं नाप कैसे लेते हैं, जो कि बहुत लोगों की रिक्वेस्टेड वीडियो है, बहुत टाइम से रिक्वेस्टेड वीडियो है मेरे चैनल पर। सो गाइस, सूट की कटिंग हम तीन तरीके से कर सकते हैं और मेजरमेंट भी हम तीन तरीकों से ले सकते हैं। सो फर्स्ट जो तरीका है वो है बॉडी से नाप लेकर, सेकेंड जो तरीका है वो है सूट से नाप लेकर, कोई भी बना हुआ सूट से आप नाप लेकर के अपने सूट की कटिंग कर सकते हैं। एंड थर्ड जो तरीका है वो है सूट पर सूट रखकर कटिंग कर सकते हैं, जो कि बहुत ही पुराना स्टाइल है एंड ओल्ड टाइम पे बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता था। और अब भी जिन लोगों को प्लस माइनस करने में बहुत ज़्यादा परेशानी होती है या फिर कुछ ऐड या फिर लूज़ क्या करना है उनके लिए परेशानी होती है, तो ये थर्ड तरीका उनके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है कि बना हुआ सूट रखकर सूट की कटिंग कर ली, फिनिश, खत्म। सिंपली आज की वीडियो में हम नाप लेना सीखेंगे, बॉडी से कैसे नाप लेते हैं, और बॉडी से नाप लेते समय हमें कुछ लूजिंग भी ऐड करनी होती है, ही हम आज की वीडियो में सीखने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैंने अपने एक स्टूडेंट को ले लिया है, शी इज कहकशा एंड शी इज ऑल्सो माई नेबर। आज मैं आपको कमीज का नाप लेना बताऊंगी, यानी कि सिंपल सूट या फिर कुर्ती का आप कैसे नाप ले सकते हैं बॉडी से। नेक्स्ट वीडियोज में मैं आपको प्लाजो पैंट्स और ब्लाउजेस वगैरह का भी सबका नाप लेना बताऊंगी कि आपको बॉडी से कैसे नाप लेकर के और कितनी लूजिंग डालनी चाहिए आपको। सो सबसे पहले हम अपनी लेंथ का नाप लेते हैं। तो देखिए, लेंथ का जो नाप है वो बाल पीछे कर लीजिए। कंधे का जो ये वाला पार्ट होता है आपको यहाँ से इंची टेप रखना है और कभी भी ऊपर से नीचे की तरफ इंची टेप नहीं जाएगा। काफी सारे लोग ये वाली गलती कर देते हैं, तो आपको इंची टेप को इस तरीके से उल्टा करना है और नीचे से आपको जितनी लेंथ रखनी है, जैसे कि आपको इस सूट की लेंथ रखनी है, तो इस तरीके से ये सेंटर से आना चाहिए आपका इंची टेप, वैसे नीचे की तरफ, और यहाँ पर ही हमारी लेंथ आएगी, देखिए करीब 40 इंच। अब आप चाहें तो एक बार इसको इस तरीके से नीचे की तरफ ले जा करके ऐसे कपड़े को आपको हल्का सा खींच लेना है, क्योंकि ये वाला जो पार्ट होता है थोड़ा सा ना यहाँ पर सिलवटें आ जाती है कपड़े की, तो आप कपड़े को इस तरीके से हल्का सा खींच लीजिए। उसके बाद में आप इंची टेप को भी ऐसे ही बिल्कुल सीधा रखना है आपको, और ऊपर की तरफ देखें बिल्कुल यहाँ पर हमारा 40 इंच की ये लंबाई आ जाएगी। ये चीज आपको बिल्कुल लंबाई, इस तरीके से आपको लंबाई का निशान लेना है, नाप लेना है। तो ये लंबाई हो गई हमारी 40 इंच। अगर आपको लंबा रखना है तो आप और इस तरीके से लंबा रख सकते हैं, बस आपको ये ध्यान रखना है कि आपका ये जो पार्ट है बिल्कुल सेंटर में रहे, और छोटा करना है तो आप ऐसे छोटा कर सकते हैं, वो आपके कस्टमर के ऊपर डिपेंड है कि वो इसे छोटा सूट चाहिए या फिर लंबा सूट चाहिए। ओके, इसके बाद में अब हम नापेंगे चेस्ट का नाप, चेस्ट, वेस्ट और हिप। तो थोड़ा सा ऐसे, ठीक है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले अपर चेस्ट नापेंगे, हाँ थोड़ा सा ऊपर, अब नीचे अपर चेस्ट नापेंगे। तो ये हमारा आ रहा है करीब 35.5 इंच या फिर हाँ 35.5 इंच, और इसके बाद में चेस्ट नापेंगे, ये हमारा लोअर चेस्ट है। तो आपको इस तरीके से थोड़ा सा देखें ये वाला पार्ट कुछ इस तरीके से नापना है, तो ये हमारा आ रहा है करीब 34.5 इंच। तो इस तरीके से आपको अपर चेस्ट और लोअर चेस्ट दोनों अच्छे से बिल्कुल नापना है, और अब हम इसे लिख लेंगे कॉपी के ऊपर। लेंथ हमारी आ रही थी 40 इंच, उसके बाद में चेस्ट, तो चेस्ट हमने अपर चेस्ट लेना है और लोअर चेस्ट लेना है। तो अपर चेस्ट हमारी आ रही थी 35.5 इंच और लोअर चेस्ट 34.5 इंच। तो यहाँ पर हमारी पूरी 1 इंच का डिफरेंस आ गया है, और यहाँ पर आपको कितनी लूजिंग लेनी है वो मैं आपको एट द एंड ऑफ द वीडियो बताने वाली हूँ कि आपको कितनी लूजिंग रखनी है। नेक्स्ट अब हमारा नाप आएगा वेस्ट का और हिप। अब सेम इसी तरीके से हम वेस्ट नापेंगे, यानी कि कमर। तो ये हमारा पूरा गुलाई में नाप होता है इस तरीके से। तो ये हमारी आ रही है देखें 30 इंच और हिप के लिए, और हिप यहाँ पर आ रहा है हमारा देखें करीब 36 इंच। कमर 30 इंच और हिप है हमारी 36 इंच। अब देखें ये हो गई हमारी गुलाई के नाप। अब ऊपर से आपको कितना लंबाई पे इसे निशान लगाना है ये भी हम नापेंगे इसी के साथ साथ में। तो अभी हमने गुलाई के नाप ले लिए हैं, अब हम लंबाई के लेंगे कि हमें कितनी लंबाई पे लगाना है अपनी कमर का या फिर चेस्ट का निशान। तो यहाँ पर ऊपर से जहां पर भी हमारा कंधा है वहां पर इस तरीके से रखेंगे, और ये देखिए जो चेस्ट आ रहा है हमारा करीब आ रहा है 10 इंच पर,
कमर जो आएगी वो हमारी आएगी करीब 13.5 इंच पर, और जो वेस्ट यानी कि हिप आ रहा है वो आ रहा है हमारा करीब 18.5 या फिर आप 19 भी रख सकते हैं, तो यहाँ पर ये हमारा 18.5 इंच पर आ जाएगा। तो इसको हम लिख लेंगे। 10 इंच पे हमारा चेस्ट वाला पार्ट आएगा और वेस्ट हमारा आ रहा है 13.5 इंच पर, कि ऊपर से हमें कितनी लंबाई रखनी है, और ये हमारा आ रहा है करीब 18.5 इंच, इसको आप 19 इंच तक भी रख सकते हैं। तो इसी तरीके से हमने देखे लंबाई का नाप और ये हमने गोलाई का नाप ले लिया है। अब हमें लेना है स्लीव्स। दामन देखिए, दामन का भी एक नाप होता है, जो भी बॉटम आप रखेंगे अपने सूट का वो आपको अपने हिप के अकॉर्डिंग ही रखना होता है। तो यहाँ पर जो भी हम इसमें लूजिंग और जो भी प्लस करेंगे वो लगाने के बाद जो भी आपका आएगा वो यहाँ पर हम दामन रखेंगे। स्लीव्स यहाँ पर हम नाप लगाएंगे छोटी स्लीव्स का, शॉर्ट स्लीव्स और लॉन्ग स्लीव्स, और तीरे का नाप लेंगे यानी कि शोल्डर्स। कंधे वाले पार्ट से देखें, इस तरीके से आपको इंची टेप रखना है और बिल्कुल सीधा, इसमें कुछ भी नहीं घुमाना आपको, बिल्कुल सीधा इस वाले पार्ट तक। ये हमारा बिल्कुल 15 इंच आ रहा है, तो ये तीरा हमारा देखिए 15 इंच आ जाएगा। यहाँ है काफी सारे लोगों का ये 14 इंच आता है, और अगर छोटा साइज होता है वो 13 इंच तक भी आ जाता है। तो अभी हमारा आ रहा है यहाँ पर 15 इंच। अब हम लेंगे स्लीव्स का नाप। स्लीव्स के लिए काफी सारे लोग ऐसे हाथ उठा कर लेते हैं, बट हाथ उठा के नहीं लेना है आपको, सिंपल हाथ को नीचे जैसे सीधा हाथ रहता है बिल्कुल वैसे ही रखवा करके इस तरीके से यहाँ से कंधा हमारा ये है, ये कंधा है हमारा। तो ऊपर से पहले हम छोटी स्लीव्स का नाप लेंगे, तो ये हमारा 6 इंच यहाँ पर आ जाएगा। वो आपके ऊपर है आपको कितनी लंबाई रखना चाहते हैं अपने बाजू की, क्योंकि अभी तो हमारा यहाँ तक भी बहुत ज्यादा ट्रेंड है, जो भी हमारे ब्लाउजेस की जो भी बाजू होती है वो यहाँ तक कोहनी तक बनाते हैं लोग, एल्बो तक, तो ज्यादा ट्रेंड है उसका। तो यहाँ पर हम छोटी बाजू लेंगे 6 इंच की, और गोलाई के लिए आपको देखिए इस तरीके से इंची टेप नीचे की तरफ रखना है, और ज्यादा टाइट भी नहीं ज्यादा ढीला भी नहीं, इस तरीके से आपको इसे रखना होता है। ये हमारा 12 इंच आ रहा है। अगर आप इसे टाइटली रखेंगे तो हमारा 11.5 इंच आएगा, तो आपको आधे इंच का यहाँ पर लूजिंग देना है। इस तरीके से हमें छोटे बाजू का नाप लेना है, इसको भी हम लिख लेंगे पहले। शोल्डर्स थे हमारे 15 इंच, शॉर्ट स्लीव्स की जो लेंथ है वो आ रही है 6 इंच, और बॉटम यानी कि जो नीचे वाला पार्ट है घुमाऊ वो 12 इंच है। ऐसे ही हम लॉन्ग स्लीव्स का भी अब नाप ले लेंगे। अब लॉन्ग स्लीव्स के लिए अगेन सेम ही पैटर्न है, आप कितनी लंबाई रखना चाहते हैं, तो यहाँ पर जो लंबाई है वो है 16.5 इंच। इसी तरीके से बिल्कुल सीधा रखना है इंची टेप, और हाथ भी आपका बिल्कुल सीधा होना चाहिए। इसके बाद में हम इसकी गोलाई का नाप लेंगे। तो गोलाई इस तरीके से सिंपली लेना है, ये देखें 9.5 इंच, और इसको आप इस तरीके से निकाल के देख लेंगे कि इजिली निकल रहा है आपके हाथ से या नहीं, तो ये इजिली निकल जाएगा। अगर आप ज़्यादा पतला करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा पतला जाएगा, तो हमें यहाँ पर इसको 9.5 इंच ही रखना है। तो लेंथ हमारी थी यहाँ पर 16 इंच, और बॉटम आर था हमारा 9.5 इंच। अब इसमें मैं आपको बताने वाली हूँ कि इसमें आपको लूजिंग कितनी देनी होती है। तो हमारा जो अपर वाला पार्ट है और लोअर वाला चेस्ट वाला पार्ट है, इसमें देखिए 1 इंच का गैप आ गया था हमारा, तो इसमें हम देखें 1.5 इंच का लूजिंग इसमें हमें प्लस करनी है। तो 34 इंच में जब हम 1.5 इंच प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 36 इंच। और वेस्ट के लिए हमें इसमें कुछ भी ना तो माइनस करना है ना ही प्लस करना है, क्योंकि इसका जब हम 1/4 करेंगे वेस्ट में आपको ज़्यादातर कुछ भी नहीं करना होता। अगर आपका बहुत ज़्यादा हैवी साइज है तो आप 1/2 इंच इसमें प्लस कर सकते हैं, क्योंकि वेस्ट जो पार्ट होता है हमारा वहाँ पे जो हमारा सूट होता है वो बिल्कुल फिटेड आना चाहिए। इसके बाद में हिप के लिए देखें, हिप के लिए आपको यहाँ पर 2 इंच का ऐड करना होगा, 2 इंच की लूजिंग हम यहाँ पर प्लस करेंगे, हमें माइनस नहीं करना प्लस करना है, यानी कि यहाँ पर जो हमारे आ जाएगा ये आ जाएगा हमारे पास 38 इंच। तो इसको जब हम 1/4 करके रखेंगे, हमेशा कपड़े के ऊपर हमें एक फॉर्मूला लगाना होता है, तो कपड़े के ऊपर जो फॉर्मूला लगता है वो भी मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ। वो लगता है 1/4 ऑफ चेस्ट। तो देखिए यहाँ पर चेस्ट जो हमारा आ रहा है लूजिंग ऐड करने के बाद वो आपको यहाँ पर रखना है
तो इस तरीके से आपको इसे डिवाइड करना होता है। हर आपको वेस्ट का भी 1/4 निकालना है, हिप का भी 1/4 निकालना है। तो जब हम 36 को 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 9 इंच आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको जब कपड़े पे निशान लगाएंगे तो आपका 9 इंच पर निशान लगेगा। इसी तरीके से वेस्ट का 1/4 भाग आएगा हमारे पास 7.5 इंच और हिप आएगा हमारा यहाँ पर 9.5 इंच। तो जब हम कपड़े पर निशान लगाएंगे तो हम 9.5 इंच पर लगाएंगे। तो यही नाप रखते हुए मैं आपको एक सूट की कटिंग करना भी बताऊंगी, जिससे कि आपको बिल्कुल अच्छे से इलस्ट्रेशन हो जाए, बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाए। तो यही नाप, इसी तरीके से आपको कुर्ती का नाप लेना है और इसमें कौन सा फॉर्मूला लगाना है वो भी मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। दामन पे हमें देखें, यस दामन मैंने आपको यहाँ पर बताना भूल गई, यहाँ पर हमारे पास हिप आ रहा है 9.5 इंच। तो दामन के लिए यानी कि जो भी सूट का बॉटम है उसमें हम 1/2 इंच और प्लस कर देंगे तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 10 इंच। आपका जो भी हिप वाला पार्ट आ रहा है उसमें आप या तो 9.5 इंच रख सकते हो या तो आप इसमें 1/2 इंच प्लस कर सकते हैं। तो यहाँ पर 10 इंच इस तरीके से हमारा आ जाएगा। तो इसी तरीके से आपको पूरा नाप लेना है। शोल्डर्स के लिए भी हमें देखिए हाफ करना होता है, इसका हमारे पास आ जाएगा 7.5 इंच पर 7.5 इंच में से हमें 1 इंच माइनस करना है। इसमें हमें क्या करना होता है, माइनस, बाकी सारे पार्ट्स में हमने प्लस किया है बट इसमें हमें माइनस करना है, तभी जो हमारा कंधा है ना बिल्कुल अच्छे से फिट बैठता है। और काफी लोग बोलते हैं कि गला जो है वो गिर रहा है, तो यहाँ पर आपके गला गिरने की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। तो इस तरीके से हमने 6.5 इंच पर निशान लगा लेना है शोल्डर्स के लिए। और अब हम नेक के लिए नाप लेंगे, तो फ्रंट एंड बैक दोनों नेक के लिए हमें नाप लेना है। नेक के लिए देखें आपको इंची टेप इस तरीके से तिरछा रखकर नाप लेना होगा। तो काफी सारे लोग इसको जब बुकरम पर निशान लगाते हैं तो ऐसे सीधा रख के निशान लगाते हैं, तो हमारा जो नाप है वो बड़ा हो जाता है और हमारा गला बड़ा बन जाता है। तो इसको देखें इस तरीके से, जो भी आपका कंधे वाला पार्ट है वहां पर ऐसे रखेंगे इंची टेप को, और जितना भी आपको बड़ा बनाना है, यहाँ पर 7.5 इंच आ रहा है तो काफी सारे लोग छोटा गला पहनते हैं तो हमारा 6.5 इंच पर आएगा। तो आप अपने कस्टमर के अकॉर्डिंग इसको छोटा या बड़ा कर सकते हैं। तो फ्रंट नेक हमारा आ रहा है यहाँ पर 7.5 इंच। अब बैक नेक के लिए नाप लेंगे। अब देखिए यहाँ पर जो बैक नेक है वो काफी ज्यादा बड़ा है, तो आप इसीलिए मैंने बोला कि आप अपने अकॉर्डिंग अपने नेक को बड़ा या छोटा कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो नेक आ रहा है ये करीब आ रहा है हमारा 11 इंच की इसकी गहराई है, तो आप इतना भी, ये देखें 11 इंच की इसकी गहराई है तो आप इतना भी रख सकते हैं, या फिर आप अगर छोटा बनाना चाहते हैं तो हम 8 इंच या फिर 7.5 इंच की इसकी गहराई रखते हैं। तो इस तरीके से आपको अपने नेक के नाप ले लेने हैं। तो फ्रंट नेक है हमारे पास 7.5 इंच और बैक नेक है 11 इंच, जिसको आप अपने अकॉर्डिंग छोटा और बड़ा कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आई होप कि आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा कि आपको कुर्ती का नाप कैसे लेना है और उसमें कितनी लूजिंग प्लस करनी होती है, ऐड करनी होती है। अब इसी नाप को ध्यान में रखते हुए मैं आपको कुर्ती की कटिंग करना भी बताऊंगी। आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा और नेक्स्ट समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियोज में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि आप कुर्ते से यानी कि सूट से नाप लेकर के सूट की कटिंग कैसे कर सकते हैं, या फिर आपको बहुत ही आसान तरीका सीखना है तो आप सूट से सूट रख करके कैसे कटिंग कर सकते हैं। बट ये जो फर्स्ट तरीका है वो ऑलराउंडर है, इसको अगर आप सीख लेंगे तो आप कोई भी ड्रेस डिजाइनिंग कर सकते हैं। तो इसलिए मैंने सबसे पहले आपको मुश्किल वाला पार्ट बताया जो कि आप हर चीज में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यस गाइज आई होप कि आज की वीडियो हेल्पफुल रही होगी, पसंद आई हो तो इसको लाइक करना ना भूलें और अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर सकते हैं। और जिसको अपनी स्टिचिंग सीखनी है या फिर स्टिचिंग सीखना स्टार्ट कर रहे हैं वो भी इस वीडियो को प्लीज शेयर करना मत भूलिएगा। तो यस गाइज मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, खुदा हाफिज।